हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल खपतरी जे किंग। यहाँ पर देखिए गाइस, सभी को दाने डाल चुका हूँ, अच्छी तरह से खा लेते हैं गाइस। गाइस जल्द से जल्दी एक बड़ा सरप्राइज आ जाएगा गाइस आपके लिए इसमें से बहुत सारे खपतर चल जाएंगे और दूसरे आते हैं गाइस। उसके बारे में मैं आपको वो आने के बाद अपडेट दे देता हूँ अच्छी तरह से। वो एक गुड न्यूज़ है गाइस, नए परिंदे वगैरह जो भी हो उसके बारे में मैं आपको बाद में एक बार बता देता हूँ गाइस। ये नीचे अच्छी तरह से वो अंडे पर भर दिया है मैं इसका मेल ने। यहाँ पर एक बुरी खबर है गाइस, इसमें पहला इसके 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, लेकिन पहला अंडे में बच्चा ने प्रॉपर से नहीं बना है गाइस। थोड़ा बहुत बाहर आ गया लेकिन वो प्रॉपर से नहीं बचा है, बाहर करने के बाद एक्सपायर हो चुका है गाइस। यहाँ उसके खून के निशान भी है, देखिए गाइस अंडे के छिलके वगैरह भी यहाँ पर है। एक ही अंडे पर अभी तक बैठी है गाइस, ये कल और परसों में ये दूसरा अंडे में का बच्चा भी बाहर आ जाएगा। उसका अपडेट क्या रहता है कि मैं उस आपको बता देता हूँ। ये पहली ही ब्रीड है गाइस ये इनकी, इसके लिए थोड़ा बहुत चलता रहता है गाइस वैसा ही। ये देखिए फिर को दोबारा अंडे नहीं दिए है बच्चे को, तो वो खुद मार दिया है गाइस। इसमें से बहुत सारे खपतर चल जाएंगे गाइस, चल जाके दूसरे परिंदे आ जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इनकी खूबसूरती अलग है, सारे खपतर का अलग है गाइस। मेरे पास पहले में बहुत सारे सारे खपतर रहते थे, वो सारा दिन खुले ही रहते हैं गाइस, वो सभी भी एक ही साथ उड़ के आना वो जाना वो पूरा बहुत ही खूबसूरत रहता था गाइस। लेकिन अभी वो सभी को मैं हटा के फैंसी कप्तर का शौक थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिया हूँ, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रॉपर से नहीं रहते हैं गाइस। इनका ब्यूटी परम से बहुत ही अच्छे रहते हैं गाइस, लेकिन पालने के लायक उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगे है गाइस। ये एक शिराजी का ब्रीडिंग में उनका खपतरों में शौक अभी मुझे बढ़ रहा है। और शिराजी खपतर को रखेंगे गाइस कम के पूरे भी, जितना हो सके उतने मैं सारे भी दे दूसरों को देने वाला हूँ गाइस। सादे खपतर ही अच्छे रहते हैं गाइस मुझे तो, उसके बाद में देखने के लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन पालने तो मुझे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आए गाइस। वो सादे खपतर में ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है गाइस, एक बच्चा भी मरना अंडे ख़राब होना वैसे कुछ कोई से भी नहीं चलते हैं, लेकिन इनमें बच्चे खुद मर जाते हैं और अंडे में बच्चे नहीं बन पाते हैं ये खुद मार लेते हैं, अच्छी तरह से फीडिंग नहीं कराते हैं, इसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं गाइस। इनका फैदर्स का इशू ज़्यादा रहता है, वो प्रॉपर से ये देखिए गाइस इसके ऊपर पड़ गया है। बहुत ज़्यादा बोलने के लिए सोचा हूँ गाइस, लेकिन अभी वीडियो शुरू करते ही वो सभी भी ध्यान में नहीं आते हैं गाइस। देखिए गाइस देखने में तो वीडियो निकालने में तो इनका वाक और इनका खूबसूरती का अलग ही बात है, लेकिन नहीं है गाइस अभी हमें नहीं रखना है इनको। ये पेड़ देखिए गाइस, ये अभी अभी ये पेड़ लगता है दो बार से इनके बच्चे मर रहे हैं, ये वो अभी तक अंडे नहीं देते हैं और इनमें से अंडे निकले तो भी क्या बच्चे नहीं निकलते, ये सारे प्रॉब्लम्स है गाइस। इनमें से वो इससे भी ज़्यादा मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है गाइस, इसलिए इनको मैं निकालने का सोच रहा हूँ और इनको बाहर भी मैं खुली नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि बाज वगैरह आसानी से इनको मार के चला जाते हैं गाइस। वो सारे खपतर है तो अच्छी तरह से फ्लाई करके उनसे बच पाते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं उड़ते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनता है गाइस। इसलिए धीरे धीरे करके सारे भी जल्द से जल्द हटा देंगे गाइस। ये वीडियो में इतना ही है गाइस, ये वीडियो आपको इंटरेस्ट लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू।